सवाल उस्तर कैसे हो आप सब लोग? सही, आप लोग जो है ना काफी दिनों से बोल रहे हो कि NS200 और NS200 के बारे में वीडियो बनाओ कि कब आएगी कब नहीं आएगी। बिकॉज इंडियन मार्केट में बजाज ने जो है दोनों ही बाइक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है और अभी जो है टाइम आ चुका है यार उनके नए मॉडल को कंपनी लॉन्च करे। तो ऐसे में क्या है कि आप लोग वेट कर रहे हो उस बाइक के लिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। बट जब से N250 और F250 आए तब से क्या ना उम्मीदों पर लाइक पानी फेर दिया भाई बजाज ने। कुछ नए फीचर दिए ही नहीं, ना सिक्स गेयरबॉक्स दिया उसमें 250cc में। तो तब से क्या है अपन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे। मैं कहा जो मिलेगा ठीक है, लेकिन NS और RS में ना यार एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा है कि भाई उसमें कुछ एडवांस फीचर्स मिलेंगे, लाइक नया लुक्स मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो नई जनरेशन आ रही है ना RS और NS, आपको जो है ना उसमें 40% के करीब जो है चेंजमेंट देखने को मिलेगी, बाकी 60% बाइक सेम रहेगी। और वो सेम कहाँ से रहेगी वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सेम रहेगा ही, सबसे पहले आपके टायर साइज वगैरह, ठीक है, अलॉय डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल सेम रहेगा। जो बाइक का भाई पिछवाड़ा है, लाइक जो बैक से जो है लुक, वो बिल्कुल सेम रहेगा। टेल लाइट वगैरह बिल्कुल सेम रहने वाली, उसमें कोई भी यहाँ पे कंपनी चेंजमेंट नहीं करने वाली। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि NS में आपको LED इंडिकेटर जो है देखने को मिल सकते हैं, बट अभी कुछ टेस्टिंग फोटोज आई थी और उसमें तो हेलोजन ही मेरे को दिख रहे थे। तो क्या पता मिले ना मिले, बट लग रहा है कि भाई क्या पता आपको हेलोजन भी मिल जाए और LED जो है आपको RS में मिल नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं LED मिलते हैं फिर हेलोजन मिलते हैं NS में, बाकी टेस्टिंग वाले में तो हेलोजन ही थे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता उसका। उसके बाद जो चेंजमेंट होगी उसके बारे में आपको बता दूं, जो चेंजमेंट होगी इस वो होगी दोनों ही बाइक्स की फ्रंट लुक में। फ्रंट से जो है दोनों ही बाइक्स को चेंज कर दिया जाएगा, जो हेडलाइट सिस्टम है वो चेंज कर दिया जाएगा, नया फ्रेश लुक्स आपको देखने मिलेगा। बट इतना मेरे को लग रहा है कि यार पहले से जो है ना कुछ खास नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि पहले वाली जो NS और RS थी वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइक अट्रैक्टिव थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी लुक्स के मामले में। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि यार लुक्स में कुछ खास ये बदलाव कर पाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है, देखना पड़ेगा वो तो। एंड उसके बाद में क्या सिमिलर रहेगा, यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप जो है बिल्कुल सिमिलर होने वाला है, कोई USD आपको देखने को नहीं मिलेगा। NS RS दोनों में जो है सेम सस्पेंशन सेटअप देखने मिलेगा। जो न्यू चेंजेस में देखने मिलेगा नेक्स्ट वो होगा इसका कंसोल, जो कंसोल होगा वो बिल्कुल लाइक न्यू होगा, जो कि फुली डिजिटल होगा। एंड RPM मीटर वगैरह भी उसमें डिजिटली देखने को मिलेगा आपको, फिर वो सेगमेंट में सभी बाइक्स में आपको डिजिटल देखने को मिलता है और एनालॉग किसी में भी देखने को नहीं मिलता। यदि इन्होंने सेम यूनिट वही उठा के दे दी जो F250 N250 में दी है, तो भाई बजाज की जो बाइक्स है ना बर्बाद हो जाएगी एक तरीके से, मतलब कोई खरीदना पसंद ही नहीं करेगा। जैसे अभी भी एक कैंप लगा के बैठे हैं शोरूमों के बाहर, भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आके उसमें इंटरेस्ट शो करे। 100 में से कोई एक बंदा होगा जो उसमें आके शो है, मतलब इंटरेस्ट शो करेगा, वो भी बस मजे मजे में आएगा और टेस्ट राइड लेके चला जाएगा। इतना बुरा हाल है ना N250 F250 का। बस मैं ही चाहता हूँ, बजाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स डालो जिससे हम जो है ना उसको कंपेयर कर पाएँ। जैसे RS है तो उसको कंपेयर कर पाए R15 से, एंड NS है तो हम उसको कंपेयर कर पाए अपनी अपाचे 200 से फीचर्स के मामले में। तो फीचर्स अपग्रेड करो जिसकी हमें सख्त जरूरत है, लाइक नए नए फीचर्स उसके अंदर दो, लाइक क्विक शिफ्टर वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, यहाँ पे जो है आप लोग गियर इंडिकेटर वगैरह, ये सब नॉर्मल फीचर देने का कोई फायदा है नहीं। अब जो कुछ एडवांस फीचर हो लाइक कनेक्टिविटी फीचर हो, तो ये सब फीचर दोगे तो क्या आपकी बाइक चल सकती है? तो ये सब फीचर जो है ना इस मतलब बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बजाज मेरे को लगता है कि दे पाएगा। तो देखते हैं जो भी होगा, बट चेंजेस यही है यार, मतलब मीटर कंसोल इसका चेंज कर देंगे, फुली डिजिटल दे देंगे, एंड उसमें जो है नॉर्मल से बेसिक से फीचर डाल दिए जाएंगे, एंड कलरफुल डिस्प्ले आई होप मिल जाए, बट वो भी चांसेस है 50-50। उसके बाद जो हेडलाइट सिस्टम वो बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा दोनों ही बाइक्स का। इंजन जो है दोनों बाइक्स में लाइक पहले से ज़्यादा स्मूथ होंगे, सिक्स गेयरबॉक्स का ही देखने मिलेगा, सेम वही 200cc इंजन, बट पहले जो है ज़्यादा रिफाइन और ज़्यादा जो है अच्छा चलने में होगा वो। पावर वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर, टॉर्क वगैरह जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा दोनों ही बाइक्स में। जो है ना इस पहले से ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव पोजिशन देखने मिलेगी, अग्रेसिव पोजिशन, जो कि आप चलाओगे बाइक को तो पता चलेगा आपको। तो बाइक जो है ना पहले से ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इतने भी ज़्यादा जो है चेंज नहीं की जाएगी। हम बिल्कुल ही बोल देंगे भाई नेक्स्ट जनरेशन NS एंड जो है RS, तो वो तो हम अभी भी नहीं बोल सकते। तो इस अब आप बताओ कि आप लोग इसके लिए वेट कर रहे हो फिर नहीं कर रहे। बाकी मैं आपको बता दूँ, लॉन्च है वो होने वाला है इस फेस्टिवल सीजन में, लाइक जून जुलाई के आसपास या फिर अगस्त तक जो आपको देखने मिले दोनों ही बाइक्स। एंड जो प्राइसिंग होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी, ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया नहीं जाएगा प्राइस। जो RS उसकी तो फिर भी 10,000 के करीब जो है बढ़ाई जाएगी, लेकिन NS की ज़्यादा प्राइस यहाँ पे नहीं बढ़ने वाली। तो देखते हैं जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन थी आपसे शेयर करनी थी, बाकी मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।